के और उत्तर प्रदेश सरकार तक बैठी हुई है और यही वजह है आपकी ये बहन जो इस वक्त आपके सामने खड़ी हुई है दस्तबस्ता उसको हर थोड़े दिन पे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो सिर्फ ये सवाल करती है कि नरसंहार त्रिपुरा में हो रहा था तो गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे। इस सवाल के डर से चार पांच थानों की पुलिस से सुमैया राणा हाउस अरेस्ट हो जाती है। लखीमपुर में किसान भाई मारे जाते हैं उस पर मैं सिर्फ उनका हाल लेने के लिए जाती हूँ तो लौट के आने के बाद मुझे हाउस अरेस्ट किया जाता है और मुझको अपनी सगी खाला की मिट्टी में भी जाने की इजाजत नहीं होती। ये तानाशाही की इंतहा है। लेकिन मैं बार बार ये कहती आई हूँ कि एन एस ए लगा दीजिए, यह हक की आवाज जब तक सांस चलेगी निकलती रहेगी क्योंकि ये हमारे देश की आवाज है, देश की जनता की आवाज है। आप अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर, पुलिस का फायदा उठाकर आप हमारी आवाजों को दबा नहीं सकते। और ये ताकत मुझे आप लोगों से मिलती है। जब मेरी बहनें आके मेरे साथ घंटाघर में बैठी थी उस वक्त ये एहसास हो गया था कि नहीं, ये एक ऐसी ताकत बन के उभरेगी जिसकी मिसालें दी जाएंगी। और आप देख लीजिए, लड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया आपने, वहां से मुसलमान डिप्टी सीएम का ऐलान क्यों नहीं किया आपने, वहां पर की मस्जिदें शहीद हो रही थी उनके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि आपको वहां पे सत्ता प्यारी थी। आप हमें दरी बिछाने वाला कहते हैं, मैं कहती हूँ अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपने मुल्क के लिए अगर हमें दरी भी बिछानी पड़े तो हम बिल्कुल बिछाएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारी मिल्लत, हमारे देश के लोग ज्यादा जरूरी है। ऐसी भावना लेकर आप उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं और यहाँ पर आपकी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, जो सीधे सीधे नरसंहार कराती है, जो दलित बेटी का रेप होने के बाद उसको हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर रातों रात पुलिस सुरक्षा में उसकी अग्नि को आग दे देती है, यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर करती है, यहाँ पर अराजकता पूरी तरीके से फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, आप उसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। आप आके आप माननीय हमारे